नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। बात करेंगे रेवाड़ी शहर की। रेवाड़ी में बाइकर्स का आतंक बड़ा, बहुत बड़ी घटना आई सामने। अब मैं आपको रेवाड़ी का एक बार पूरा बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। रेवाड़ी में कल 62 नए केस सामने निकल कर आए, जिनमें से रेवाड़ी शहर से 48 केस आए हैं, धारवाड़ा में से 9 केस आए हैं, भाकली में 2 केस सामने निकल कर आए हैं, खोल, किशनगढ़, बालावास व बवा में एक एक केस सामने निकल कर आया है। मैं आपको बता दूं कि धारवाड़ा में लॉकडाउन कर रखा है, रेवाड़ी में कई जगह लॉकडाउन, उसके बाद भी रेवाड़ी में केस नहीं थम रहे और रोजाना केस काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। इसके बाद अच्छी बात यह है कि रेवाड़ी में कल 27 मरीज ठीक हुए हैं, जिनका अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने बताया नहीं है कि वो कहाँ कहाँ से ठीक होकर आए हैं। इसमें आपको मैं और बता देता हूँ, रेवाड़ी में टोटल केस हो चुके 2911। अच्छी खबर ये है कि रिकवरी रेट धीरे धीरे रोजाना रेवाड़ी का बढ़ता जा रहा है और अपने देश का भी बढ़ता जा रहा है। रिकवर हो चुके 2458 लोग, 16 लोगों की हो चुकी है डेथ और 437 एक्टिव केस है, मतलब 437 ऐसे लोग हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक बार हरियाणा का दिखा देता हूँ। पहले देखिए, हरियाणा में अब टोटल केस हो चुके 53,290। अच्छी खबर ये है कि 44,013 लोग ठीक हो चुके हैं, 609 लोगों की मृत्यु हो चुकी है हरियाणा के अंदर। एक्टिव केस की बात करते हैं तो 8,680 अभी एक्टिव केस है, जिनका अभी इलाज चल रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर। अब रेवाड़ी की और खबरें देख लेते हैं। लॉकडाउन के पहले शनिवार को नहीं दिखी सकती। मैं आपको बता देता हूँ कि अनिल विज जी ने ये कहा था कि हर शनिवार और रविवार को हरियाणा में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन पहले लॉकडाउन में रेवाड़ी में तो कोई ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दिया। लॉकडाउन के पहले शनिवार को नहीं दिखी सकती। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए लॉकडाउन का पालन लोगों ने काफ़ी किया, काफ़ी लगभग हर दुकानें बंद थी, बहुत कम दुकानें ऐसी थी जिन खोल रखी थी, और लेकिन यहाँ पर यह है कि सख्ती नहीं थी, मतलब जिनने खोल रखी थी उनको कोई कुछ कह नहीं रहे थे, बहुत कम लोगों को रुपये सख्ती थी। दूसरा, बातों में लगाकर बुजुर्ग की जेब साफ। मैं आपको बता देता हूँ, शहर के सर्कुलर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की जो मुख्य शाखा है, वहाँ से एक बुजुर्ग ने नकदी निकलवाई थी और एक व्यक्ति उसके पास आया और उसको बातों में फुसला लिया और उससे 2,000 रुपये छुट्टे मांगने की बात कहने लगा, और बातों बातों में जो बुजुर्ग रुपए निकलवा के लाया था उनमें से उसमें 50,000 रुपये थे जो कि वो चोरी कर ले गया और बुजुर्ग को पता भी नहीं चला। तीसरा हमारे पास खबर आई है जो आज, आंखों की जांच के लिए पंजीकरण कल से। देखिए ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, कोसली के बाबा मुक्तेश्वरी मठ की ओर से आंखों की निःशुल्क जांच व ऑपरेशन के लिए 24 से 30 अगस्त तक आप पंजीकरण करवा सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क, तथा ऑपरेशन के लिए चयनित आंखों से रोगियों का ऑपरेशन कोसली से लांबाई अस्पताल में कराया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताया था जो महंत शिवपुरी महाराज ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति ये कराना चाहता है अपनी आंखों का ऑपरेशन या इलाज, वो मठ कमेटी के कार्यकाल में आकर पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, ये है आंखों की जांच के लिए जो कि बिल्कुल निःशुल्क है सब कुछ। इसके बाद गणपति बप्पा घरों में ही हुए विराजमान। मैं आपको बताता हूँ, लॉकडाउन के कारण अब की बार गणपति बप्पा घरों में ही विराजमान हुए। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि शनिवार को दोपहर की जो रोड़ाई थाना क्षेत्र है, वहाँ के जो गांव मस्तापुर, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, वहाँ पर दो व्यक्ति बाइक पर जा रहे थे, जहाँ पर एक गाड़ी ने उनको टक्कर मारी और उसके बाद दोनों व्यक्ति की, बाइक वालों की मौत हो गई। उनमें से एक जो था वो नूरपुर निवासी था और एक था जो मस्तापुर निवासी था, दोनों की मौत हो गई हॉस्पिटल में ले जाने के बाद, और उसके बाद गाड़ी की भी हालात काफ़ी ख़राब थे और बाइक की तो बहुत ज़्यादा, लेकिन गाड़ी वाले का अभी से कोई सुराग नहीं मिला है। तीन महिलाओं के गले से तोड़ी चैन। मैं आपको बता देता हूँ कि बाइकर्स का आतंक रेवाड़ी में बढ़ता ही जा रहा है, तीन महिलाओं के गले से तोड़ी चैन, और बड़ी खबर ये है कि एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि एक महीने के अंदर अंदर जो ये बाइक गैंग्स है, मतलब ये पूरी गैंग है, इन्होंने काफ़ी लोगों की चैन तो तोड़ी तोड़ी, साथ में इन्होंने 80 से ज़्यादा बाइक चोरी की है रेवाड़ी के अंदर एक महीने के अंदर। देखिए आप मान के चलिए कि आप रोजाना 2 से 3 बाइकें चोरी कर रहे हैं रेवाड़ी के अंदर, तो आप भी अपनी बाइक स्कूटी सभी व्हीकल्स का ध्यान रखें। आज की अपडेट यहीं तक, देखते रहिए हमारे साथ हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। इस चैनल पर आपको रोजाना रेवाड़ी की सारी खबर मिलेंगी और कम समय में। धन्यवाद।